हेलो फ्रेंड, फास्ट एंड फंडा के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे डिजिटल टेलीविजन। सबसे पहले हम डिजिटल टेलीविजन के बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ये सेम एनालॉग टीवी के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे ट्रांसमिशन रिसेप्शन एनालॉग में भी होता है और इसमें भी होता है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन। लेकिन जो ऑडियो वीडियो जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं वो पहले प्रोसेस्ड होता है विद द हेल्प ऑफ डिजिटली प्रोसेसिंग एंड द मल्टीप्लेक्स सिग्नल। इसके द्वारा उसके बाद ही इसको हम ट्रांसमिट करते हैं और रिसेप्शन तक इसको पहुंचाते हैं। और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिजिटल ऑडियो वॉज इंट्रोड्यूस इन 1982। ये 1982 में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर जब भी डिजिटल टेलीविजन का हम जब बात करते हैं। और इसकी कुछ और भी बात कर लेते हैं। डिजिटल टेलीविजन कैन ट्रांसमिट मोर देन वन प्रोग्राम इन सेम चैनल बैंडविड्थ ऑफ एन एनालॉग टीवी। इसको समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लो कि एक बैंडविड्थ है यहां से यहां तक, ठीक है। और ये क्या होगा, जब हम एनालॉग टेलीविजन अब यूज करेंगे उस वक्त जो हमारा ट्रांसमिशन होता है वीडियो सिग्नल का, वो इतना बैंडविड्थ रिक्वायर होगा एक प्रोग्राम को ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन जब हम डिजिटल टेलीविजन का यूज करेंगे उस वक्त क्या होगा, इतना ही बैंडविड्थ में हम बहुत सारा प्रोग्राम को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक टाइम में। ऐसा उसमें इसलिए होता है क्योंकि हम लोग डिजिटल टेलीविजन में कंप्रेशन होता है, जिसके कारण से हम उसके बिट रेट को रिड्यूस करते हैं फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं। इसीलिए सेम बैंडविड्थ में बहुत सारे प्रोग्राम को हम लोग चला सकते हैं, ठीक है। इसकी कुछ स्टैंडर्ड होते हैं डिजिटल टेलीविजन के, जैसे DVB, इसको डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, और ATSC ISDVB, ये सभी स्टैंडर्ड हम आगे देखेंगे इसके बारे में। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं डिजिटल टेलीविजन के। यहाँ पे देख लीजिए कि इसके तीन टाइप्स है। SDTV जिसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन टेलीविजन बोलते हैं, EDTV इनहांस डेफिनेशन टेलीविजन बोलते हैं, और SDTV हाई डेफिनेशन टेलीविजन। अब इसके कुछ फीचर्स है, इसको देख लीजिए ताकि बहुत आगे काम आने वाले हैं और आप जब भी एग्जाम में जब देने जाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। जैसे SDTV का रिजोल्यूशन देखिए, 480i। आई का मतलब होता है इंटरलेस्ड, ठीक है। स्कैनिंग टाइप ऑफ स्कैनिंग बोला जाए तो इंटरलेस्ड होता है इसका रिजोल्यूशन, 480i होता है। इनहांस टीवी का कितना हो जाता है रिजोल्यूशन, 480p हो जाता है। और इसके रिजोल्यूशन देखिए 720p, 1080p एंड 1080i, ठीक है। पी का मतलब हो जाता है प्रोग्रेसिव, यहाँ भी प्रोग्रेसिव हो जाता है। टाइप ऑफ स्कैनिंग यहाँ इसका क्या हो जाएगा, प्रोग्रेसिव हो जाएगा। स्पेक्ट रेशियो देखिए यहाँ पे 4:3 दिया हुआ है, एंड 60:9 एंड 4:3 दोनों इसमें है इनहांस्ड वाले में, एंड हाई डेफिनेशन वाले में देख लीजिए 16:9 है। ये स्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है ना कि वो व्यू जो होता है स्क्रीन का साइज होता है इससे डिसाइड किया जाता है स्पेक्ट रेशियो से। नंबर ऑफ फ्रेम, नंबर ऑफ पिक्सल पर फ्रेम यहाँ पे देख सकते हैं आप 640x480। और यहाँ पे दो दिया हुआ है 4:3 और 60:9 के लिए, 640x480 एंड 720x480। ये क्या होता है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल पिक्सल एंड ये हमारा वर्टिकल पिक्सल होता है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये वाली मिलती है वैल्यू, ठीक है। ये सेम यहाँ पे देख सकते हैं 720p के लिए इतना से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1080i के लिए 920x1080 से, एंड 1080p के लिए 920x1080, इसको 1080p हम बोलते हैं। अब टाइप ऑफ स्कैनिंग आ जाता है, ये इंटरलेस है क्योंकि हमने 480i यूज किया था इसीलिए इंटरलेस्ड हो जाता है। 480p यूज किया था तो प्रोग्रेसिव हो जाता है, नॉट इंटरलेस्ड होता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो बोथ इंटरलेस एंड प्रोग्रेसिव दोनों होता जाता है, क्योंकि यहाँ पे पी और यहाँ पे आई दोनों यूज हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों यूज हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम डिजिटल टेलीविजन सिग्नल, ठीक है। अब जो भी डिजिटल टेलीविजन सिग्नल होते हैं उसके सारे पूरे सिग्नल जो होते हैं वो डिजिटाइज्ड होते हैं, तो वो हम लोग अचीव कैसे करते हैं। इसके लिए जो ट्रांसमिशन हमारा होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं, डिजिटल टेलीविजन ट्रांसमिशन ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है कम्पोजिट इनकोडेड ट्रांसमिशन एंड एक होता है कम्पोनेंट इनकोडेड ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले हम कम्पोजिट इनकोडेड ट्रांसमिशन को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो क्या होता है कि हमारा वाई यू एंड वी ये थ्री वीडियो सिग्नल कम्पोनेंट होते हैं। वाई को आप लोगों को पहले होगा, आपने जब पढ़ा होगा तो इसमें वाई को लोमिनेंस बोलते हैं, यू एंड वी डिफरेंट टाइप के क्रोमिनेंस है, ठीक है। इसको हम लोग वीडियो कंपोनेंट बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लेक्स करते हैं, इसको सब सारे सिग्नल को हम लोग मल्टीप्लेक्स करके एक जगह कंबाइन करते हैं तो हमारा एक वीडियो सिग्नल प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं कलर कॉम्प्लेक्स कंपोजिट वीडियो सिग्नल, इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं अभी जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के जो भी उसके डायग्राम देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। उसके बाद हम सैम्पलिंग क्वांटाइज इनकोड मॉड्यूलेट करते हैं और ताकि उसको हम लोग डिजिटाइज में कन्वर्ट कर सके, और उसके बाद सैटेलाइट और केबल टीवी या फिर ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू उसको हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कंपोनेंट इनकोडेड ट्रांसमिशन, इसके टू टाइप्स होते हैं। यहाँ पे देख लीजिए मैक टेक्नोलॉजी एंड एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी, इसके भी सेम वही वैसे ही आपको देखना है। देख लीजिए
IUV आर द टाइम कंप्रेस्ड वीडियो होता है, ये लुमिनेंस क्रोमिनेंस होता है, ये टाइम कंप्रेस्ड वीडियो सिग्नल हो जाते हैं। एंड एक होता है साउंड एंड सिंक्रोनाइज सिग्नल, उसको क्या करता है कन्वर्ट करता है पीसीएम यूजिंग ए टू डी कन्वर्टर, मतलब पीसीएम में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब पल्स कोड मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट किया जाता है ए टू डी कन्वर्टर के थ्रू। ये क्या करता है ए टू डी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। अब जो सिग्नल हमें टाइम कंप्रेस्ड सिग्नल मिलते हैं और साउंड सिंक्रोनाइज जो कन्वर्टेड होते हैं डिजिटल में, उस सभी को कंप्रेस्ड करके डिजिटली कंप्रेस किया जाता है। फिर उसके बाद मल्टीप्लेक्स करते हैं हम लोग, मल्टीप्लेक्स यानी कि सभी सिग्नल को एक जगह लाते हैं और मल्टीप्लेक्स सिग्नल जो भी होता है एफएम एंड मॉड्यूलेटर एफएम ट्रांसमिट हो जाते हैं सेम वैसे ही सैटेलाइट और जो भी केबल टीवी और ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, ठीक है। अब इसके बाद हम एडवांस वाले को देखते हैं, एडवांस डिजिटल टेलीविजन टेक्नोलॉजी को। यहाँ पे देख लीजिए आप YUV फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू PCM, ये जो भी लुमिनेंस क्रोमिनेंस जो सिग्नल वीडियो सिग्नल होते हैं उसको फर्स्ट कन्वर्ट किया जाता है PCM में पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, उसके बाद कंप्रेस किया जाता है और उसके जो भी बिट रेट होते हैं उसको रिड्यूस किया जाता है ताकि एक बार में ज्यादा चैनल हम लोग उसको भेजा एक बार में सेंड कर सके। और डिजिटाइज एंड कंप्रेस सिग्नल जो भी होता है उसको मल्टीप्लेक्स किया जाता है, जो मल्टीप्लेक्स सिग्नल हो जाता है उसको मॉड्यूलेटिंग कैरियर यूजिंग QPS के मॉड्यूलेशन, ठीक है, जो QPS के को यूज करके क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट के की, ठीक है, इसको क्या होता था इसके थ्रू हम लोग मॉड्यूलेशन करते हैं ताकि यहाँ पे देख सकते हैं QPS के कैसा होता है, इसका डायग्राम से आपको पता चल जाएगा ऐसे होता है QPS के, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको ट्रांसमिट कर देते हैं सेम वैसे ही सैटेलाइट या केबल टीवी या फिर ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, ठीक। उसके बाद हम दिखाते हैं आपको एक और चीज, जैसे डिजिटल पैरामीटर आ जाते हैं इसमें। अब पैरामीटर क्या होता है, जैसे 525 और 60, ये 60 क्या है हमारा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी होता है और 525 लाइंस होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे एक टेलीविजन है, इस पे ऐसे ऐसे लाइन जाते हैं, ठीक है, ऐसे 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 लाइन जाते हैं, ठीक, फिर ऐसे ऐसे, तो इसी को लाइन बोला जाता है। तो ये जो 525 लाइन जो यूज होते हैं ये बाहर में यूज होते हैं, 60 हर्ज फ्रीक्वेंसी जो होती है बाहर में यूएस में यूज होती है, और हम लोग के लिए 625 यूज करते हैं लाइंस, और ये हमारा 50 क्या हो जाता है, हमारा हर्ज होता है, फ्रीक्वेंसी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव लाइन्स कितना होते हैं, ये क्या होता है 485 हो जाते हैं पोस्ट सिस्टम, एंड ये 575 होते हैं हमारे यहाँ जो एक्टिव लाइन होता है 575 होता है पोस्ट सिस्टम। वर्टिकल जो भी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल होता है वो कितना परसेंट होता है, 7.6, इसमें से माइनस करके जब उसका परसेंटेज निकालोगे 7.6% आ जाएंगे और ये हो जाए 8% हो जाता है, ठीक है। ये उसके बाद एच ब्लैंकिंग, यानी ब्लैंकिंग मींस क्या होता है, जो भी लाइंस में हमें सिग्नल नहीं मिलते हैं वो ब्लैंकिंग होता है, तो ये 60% हो जाता है और 80% इसका हो जाता है जो हम लोग के यहाँ यूज किया जाता है। फ्रेम्स पर सेकेंड 30 होता है जो यूएस में यूज होता है, हमारे यहाँ 25 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो बैंडविड्थ होता है 4.5 MHz एंड 5 MHz। इसके बाद हमारा सब कैरियर फ्रीक्वेंसी 3.98 MHz एंड 4.43 MHz। बिट यहाँ पे देखिए, बिट रेट यहाँ पे देख सकते हैं आप 114.55 Mbps एंड 141.88 Mbps यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, अब चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम डिजिटल टेलीविजन ट्रांसमीटर। अब ये यहाँ पूरा डायग्राम जो भी हमने अभी पढ़ा है वो सभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे जो भी हमारा वीडियो सिग्नल होगा, जो भी हम वीडियो या फिर ऑडियो लेंगे वो इसके कैमरा के थ्रू लेंगे यहाँ से, और जो हमारा सिग्नल होगा लुमिनेंस क्रोमिनेंस जो भी हमारा YUV जो है और सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल जो है उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे, इसको क्या करते हैं समेशन करेंगे, ठीक है, एक जगह ऐड करेंगे, एक सिग्नल में ऐड कर देंगे। जब ये ऐड करने के बाद क्या होता है ना, ये हमारा CCVS एक सिग्नल बनता है। CCVS सिग्नल्स को क्या बोलते हैं हम, कलर कॉम्प्लेक्स कंपोजिट वीडियो सिग्नल बोलते हैं। जो ये सिग्नल होगा वो ए टू डी कन्वर्जन के थ्रू पास करेगा, क्या है इसमें क्या होता है एनालॉग टू डिजिटल, जो भी ये सिग्नल होते हैं ना ये एनालॉग होता है, वो एनालॉग सिग्नल को क्या करेगा वो डिजिटल में कन्वर्ट करेगा थ्रू सैंपल क्वांटाइज एंड इनकोड करके इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। फिर उसके बाद जो डिजिटाइज वीडियो होता है वो क्या होता है PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट होता है, और जब ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन वाले जो डिजिटाइज वीडियो होते हैं उसको क्या करते हैं वो कंप्रेस, यानी कि कंप्रेस कहते हैं वीडियो को कंप्रेस किया जाता है, और फिर उसके बाद जो कंप्रेस्ड वीडियो होता है वो मल्टीप्लेक्सर को भेजा जाता है, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे देख सकते हो दूसरे साइड से क्या होता है, एक माइक्रोफोन होता है, ये हमारे क्या करता है ये इनपुट देता है एम्पलीफायर को, ठीक है, ये एम्पलीफाई करता है जो भी हमारा जो सिग्नल आता है माइक के थ्रू उसको ए टू डी कन्वर्जन करता है सेम वैसे ही सैंपल क्वांटाइज एंड इनकोड करके। फिर उसके बाद डिजिटाइज जो ऑडियो सिग्नल होता है उसको कंप्रेस करके
फिर मल्टीप्लेक्सर को दिया जाता है, ठीक है। जो मल्टीप्लेक्सर को जब देता है तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि डिफरेंट टाइप को, यानी कि डिफरेंट टाइप के सिग्नल को लेता है और एक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे, तो जो मल्टीप्लेक्सर करता है ये एक सिग्नल जनरेट करता है जिसको मल्टीप्लेक्स ऑडियो प्लस वीडियो सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्यूपीएस के मॉड्यूलेटर होता है जो हमारे एचडी टीवी सिग्नल फॉर द ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक प्रोड्यूस करता है, जो कि ये ट्रांसमिट करता है रिसीवर तक पहुंचाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया ट्रांसमीटर। अब हम देखते हैं रिसीवर कैसे इसको डिमॉड्यूलेट करता है और फिर उसको कैसे यूज में हम लोग लाते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कंपोजिट इनकोडिंग डिजिटल टीवी रिसीवर यहाँ पे है, इसका आप डायग्राम यहाँ पे देखिए। ये देख सकते हैं, जैसे मान लो कि जो हमारा यहाँ से जो एचडी टीवी सिग्नल फॉर ब्रॉडकास्टिंग हुआ, ये आएगा रिसीवर एंड पे, ठीक है। जो रिसीवर इन पे आएगा, जो डिजिटल टेलीविजन रिसीविंग सिग्नल जब आया तो यहाँ पे क्यूपीएस के एक रिसीवर लगा होता है। जो रिसीवर जो सिग्नल लेता है वो सिग्नल को कहाँ देता है, एक डीमक्स को देता है, ठीक है। ये डीमक्स क्या करता है, डीमक्स का काम है कि एक सिग्नल को लेना और डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल उसको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसको देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे गया तो ये डीमक्स क्या करेगा, जो ऑडियो सिग्नल होगा उसको डीकम्प्रेस के लिए सेंड करेगा, और जो यहाँ पे जो इसके पास वीडियो सिग्नल होगा वो वीडियो डीकम्प्रेस करने के लिए उस ब्लॉक में भेज देगा, ठीक। अब ऑडियो वाले सिग्नल को क्या होगा, डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, जो भी डिजिटल सिग्नल आ रहा है उधर से कन्वर्ट हो गया उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, सेम वैसा ही प्रोसेस होगा जो कि मैंने पहले बताया था। और यहाँ पे वीडियो जो डिकम्प्रेस होगा उसको भी डिजिटल टू एनालॉग में इसको कन्वर्ट करेगा। फिर जो आगे हमारा होगा जो ऑडियो कोडेक एंड प्रोसेसिंग, यहाँ पे क्या होता है, जो ऑडियो होता है जिसमें नॉइज वेज होते हैं उसको क्या करता है कि उसको रिमूव करने का काम करता है और फिर हमें लाउड स्पीकर के पास दे देता है, ताकि हमें जो ऑडियो ओरिजिनल ऑडियो है हमें सुनने को मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वीडियो कोडेक एंड प्रोसेसिंग होता है सेम वैसे ही जैसे ऑडियो में होता है प्रोसेसिंग, उसके नॉइज को हटाने का काम करता है, इसमें प्रोसेस होता है वीडियो का। एंड देन सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल जो यहाँ पे आपको मिला था जो यहाँ से गया था फिर उसको भी सेपरेट करना होता है। तो यहाँ से डिजिटल टू एनालॉग जब वीडियो कन्वर्ट हो जाता है इसके बाद इसको क्या करता है, सेपरेट करता है सिंक्रोनाइजेशन सेपरेटर के थ्रू। एंड उसके बाद जो भी डिफ्लेक्शन सर्किट यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये क्या करता है ना कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिग्नल को ये सोर्स करता है, ठीक है। और उसके बाद जो भी ये सिग्नल हमें मिलता है वो डिस्प्ले यानी मॉनिटर जो भी हमें मिलता है, जो टेलीविजन होता है उस पे, डिजिटल टेलीविजन डिस्प्ले जो होता है उस पे हम लोगों को दिखाया जाता है। यही पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक चीज, सेपरेट आउट सिंक्रोनाइजेशन पल्स एंड द वीडियो सिग्नल, यहाँ पे जो भी ये जो सिग्नल जा रहा ना ये सेपरेट हो जाता है, वीडियो सिग्नल एंड सिंक्रोनाइजेशन पल्स को सेपरेट हो जाता है और डायरेक्ट यहाँ से ये मिल जाता है। और ये जो आपको जो यहाँ जा रहा है ना ये RYB सिग्नल होता है, रेड येलो एंड ब्लू, ये सभी सिग्नल होते हैं ताकि इससे हमें डिस्प्ले पर देखने को मिल जाते हैं और इसी को हम लोग डिजिटल टेलीविजन कहते हैं। ये सारे के सारे हमारे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर हैं और देख सकते हो सारे पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है और आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे मान लो कि एडवांटेज ऑफ डिजिटल टेलीविजन। अब डिजिटल टेलीविजन है जिसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, ताकि इसीलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ये एनालॉग टेलीविजन के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करता है, इसीलिए हम लोग डिजिटल टेलीविजन आजकल बहुत ही ट्रेंड में है। तो ये देख सकते हो कम्प्लीटली एलिमिनेट द 5500 फ्लिकर्स विच रिप्रेजेंट द एनालॉग टीवी। एनालॉग टीवी में क्या होता है ना कि मान लो ये मॉनिटर है जैसे झिलमिल करता था, वो नहीं होता है डिजिटल टेलीविजन में, ये कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। ये क्या होता है, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म पिक्चर क्वालिटी, ये पिक्चर क्वालिटी बहुत दिनों तक इसकी अच्छी होती है, बेटर रिलायबिलिटी होती है, हाई रेजोल्यूशन एंड द बेटर पिक्चर क्वालिटी होती है, इसीलिए हम लोग डिजिटल टेलीविजन का एनवाइंग इफेक्ट लाइक घोस्ट इमेज आर कंप्लीटली एलिमिनेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाली जो पॉइंट है, जो एनवाइंग इफेक्ट होता है यानी नॉइज बेस होता है वो सभी एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो क्या होता है कभी कभी एक दूसरे का चैनल कोलैप्स होता है यानी इंटरफेयर करता है, वो भी इसमें नहीं हो पाता है। ट्रांसमीटर इज मोर इम्यून टू नॉइज बिकॉज रीजनरेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल कैन बी डन इजिली। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज्यादा मतलब इम्यून होता है नॉइज के प्रति, ठीक है। रिड्यूस द वेरियस डिस्टॉर्शन क्रॉस टॉक प्रेजेंट इन द डिजिटल टेलीविजन, रिड्यूस करता है जो डिस्टॉर्शन होते हैं, क्रॉस टॉक हो जाता है कभी कभी दो सिग्नल के बीच में, तो उसको भी रिड्यूस करता है जो कि एनालॉग में बहुत ज्यादा होता है ये सभी चीजें, ठीक है। इट कैन बी स्टोर एंड प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ मेमोरी एंड द माइक्रो प्रोसेसर। जो भी हमारा डिजिटल प्रोसेसिंग होता है उसमें क्या हो जाता है ना कि इसको जो भी वीडियो होता है उसको हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू और मेमोरी में, ठीक है। और उसको कभी भी
इसको यूज कर सकते हैं। स्पेशल फीचर्स लाइक वीडियो गेम्स, स्टोर प्रोग्राम्स, स्लो मोशन पोज प्रोग्राम्स, ये सभी फीचर्स हमको डिजिटल टेलीविजन में मिल जाते हैं। जैसे डिजिटल टेलीविजन साउंड इज स्टीरियोफोनिक साउंड, ये क्या होता है, डिजिटल टेलीविजन साउंड में क्या स्टीरियोफोनिक होता है, लेकिन जब हम एनालॉग का बात करें तो मोनोफोनिक होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ड्यू टू द कंप्रेशन टेक्निक्स बैंडविड्थ रिड्यूस्ड, ठीक है, कंप्रेशन टेक्निक के कारण क्या होता है, बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाता है, सो इट इज पॉसिबल टू फिट मोर प्रोग्राम इन द सेम बैंडविड्थ चैनल ऑफ एनालॉग टीवी। सेम एक ही बैंडविड्थ में जो एनालॉग टीवी के लिए एक प्रोग्राम भेजा जाता था, सेम बैंडविड्थ में जो कंप्रेशन के कारण हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम को एक ही उतना ही बैंडविड्थ में हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है हमारे डिजिटल टेलीविजन का। इट इज पॉसिबल टू टाइम मल्टीप्लेक्स और इंटरलेस डिजिटल सिग्नल विद अदर्स, ये देख सकते हैं, ये पॉसिबल होता है टाइम मल्टीप्लेक्स और इंटरलेस डिजिटल सिग्नल विद द अदर्स के लिए इंटरल्यूड, ठीक है। ये देखते हैं, वी यूज फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक्स व्हिच कैन करेक्ट एरर एट द रिसीवर एंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक को यूज करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो रिसीवर एंड पे हम लोग एरर को करेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके जूनियर्स हैं उसको इस वीडियो को लिंक को शेयर करें, ताकि क्या होगा कि इसमें बहुत सारे एप्टीट्यूड के चैप्टर मिल जाते हैं, और जो स्टूडेंट प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। तो आप मुझे सपोर्ट करें, मैं ऐसा ही अच्छे अच्छे वीडियोज और आपके सब्जेक्ट के लिए मैं बना बना कर लाता रहूंगा, ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर एक जगह आपको सभी इन्फॉर्मेशन मिल सके।